हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टूडे में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे विद्युत। विद्युत से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको हम इंक्लूड किए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, और टेस्ट लगाने से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जितने चैप्टर दिख रहे हैं सबका टेस्ट करवा चुके हैं। जिन फ्रेंड्स का छूटा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। जितने भी नए फ्रेंड्स हैं प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम लोग सीधा टेस्ट लगाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? और 2-3 सेकंड मिलेंगे आपको, आंसर देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो विद्युत ऊर्जा का होता है और इसका मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, तो यूनिट बराबर होता है वाट गुणे घंटा बटा 1000, जिसमें 100 वाट रख देंगे फिर 10 फिर बटे 1000, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा 1 यूनिट आ जाएगा, तो हमारा आंसर 1 इकाई हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटा जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट से विद्युत खर्च होगा। तो इसका भी वही फार्मूला होता है दोस्तों, तो हमारे यूनिट बराबर होता है 100 × 10 / 1000 हो जाएगा, जिसे 0 से 0 काट देंगे तो यूनिट बराबर 1 आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 5 दिया है तो 5, तो आंसर 5 हो जाएगा दोस्तों। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ का रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ तो छड़ धनावेशित हो जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन, जो दो विद्युत आवेशों, यहाँ आवेशों रहेगा दोस्तों, आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो यह कूलाम का नियम हो जाएगा, यह बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो सबसे सर्वोत्तम चांदी होता है, उसके बाद तांबा होता है और उसके बाद एल्युमिनियम होता है। तो दूसरा पूछेगा तो तांबा हो जाएगा, आज सर्वोत्तम सबसे पूछेगा तो चांदी हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्र एम्पियर होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, मतलब एसी को डीसी में बदला जाता है किसके माध्यम से? तो रेक्टिफायर से बदला जाता है एसी को डीसी में। और एक डीसी डीसी को अगर एसी में कन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्टर हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर जो होता है एसी एसी को उच्च या निम्न में चेंज करता है। और हमारा अगला क्वेश्चन, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, घरों में लगे पंखे बल्ब लगे होते हैं, मतलब कौन से क्रम में लगे होते हैं दोस्तों? तो यह समांतर क्रम में लगे होते हैं। और इसका फार्मूला भी होता है, तो इसका फार्मूला यही होता है, R = R1 + R2 + R3 + ……, श्रेणी क्रम का होता है। और समांतर क्रम का होता है, 1/R = 1/R+ 1/R2 + 1/R3 + ……, होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम परिभाषित करता है, तो धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। और अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध या SI का मात्रक है? यहाँ प्रतिरोध रहेगा। तो ओम मीटर हो जाएगा या SI मात्रक।
और हमारा अगला क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो यह अमोनिया क्लोराइड का होता है और इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं, शुष्क सेल को। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क सेल है तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, एक कार में विद्युत अपघट्य होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और हमारा अगला क्वेश्चन, फैराडे का नियम संबंधित है। तो यह विद्युत अपघट्य से संबंधित होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत है। तो यह विद्युत ऊष्मीय प्रभाव होता है और फ्यूज तार टिन और शीशा का बना होता है और कम गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण हैं। तो विद्युत हीटर भी होता है, विद्युत बल्ब भी होता है, ट्यूबलाइट भी होता है, तो सभी होते हैं, तो सभी हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, मतलब है किससे बनाए जाते हैं, कौन से धातु से। यह तांबे से बनाया जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। यह एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह यूरेनियम हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो यह सौर सेल होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो यह विद्युत मोटर होता है और डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और ट्रांसफार्मर जो होता है एसी वोल्टेज को जो होता है कम या उच्च में कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर अभी ऊपर बताए हैं डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और हमारा अगला क्वेश्चन, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कम दाब व पारा रहता है। और हमारा अगला क्वेश्चन, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। तो रेगुलेटर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है, तो आप लोगों को पता ही होगा, तो यह ओम होता है। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और एसी डायनोमो भी कार्य करता है, विद्युत मोटर नहीं करता है, और माइक्रो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत मोटर। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।